एएम लाइफस्टाइल में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे और खुदा की पाक हिफाजत में होंगे। लेकिन जो आजकल मैंने जो चलन लोगों का देखा है कि ये रिएक्शन चैनल के नाम पे या जिनके नहीं भी रिएक्शन थे उनके नाम पे लोगों ने एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा जो है ना एग्ज़ाम क्रैशियाँ शुरू की हुई हैं। सितारा यासिन का चैनल है, तकरीबन एक साल हो गया है और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो है उस पर उसके बारे में बात करना शुरू की, लेकिन मुझे कोई उसमें बात ऐसी इम्पॉर्टेंट लगी नहीं। वो इसलिए नहीं लगी कि दूसरी शादी हमारे कल्चर में होना और फिर वह ये तो एक आम सी बात है यहाँ पे, लेकिन ये है कि सितारा के सितारे बुलंद थे तो खुदा ने उसको नवाजा है। तो इसमें खुदा हमारे हिस्से का लेके तो सितारा को दे नहीं रहा, और बाकी भी जो सारे हैं जो भी रिएक्शन चैनल बना रहे हैं या दूसरे चैनल बना रहे हैं उनको भी खुदा दे ही रहा है। अच्छा, लेकिन सोचने की बात ये है, कमाते तो सभी लोग हैं, लेकिन सोचने की बात ये है कि हम किस तरीके से कमा रहे हैं। अगर हमारा रिएक्शन चैनल है तो क्या हम सिर्फ चंद बातें ऐसी करते हैं कि जो हमें पसंद नहीं होती कि एक हम मियार से गिर जाते हैं। यानी अब जो मैंने ये देखा है कि कोई भी बुरा ना मनाए इस बात का कि सियासत से ये बात शुरू हुई कि सियासतदानों ने पहले ये काम शुरू किया है कि बहुत ज़्यादा पर्सनल होके इस तरह की बातें शुरू करती कि जिसमें माँ बहन की भी कोई तमीज़ नहीं, किसी बात की कोई तमीज़ नहीं। हमारे जो होते थे जैसे कायदे आज़म हुए, कुछ और लियाकत खान और कायदे आज़म की जो बहन थी मोहतरमा फातिमा जना, ये हमारे आइडियल रहे हैं ये लोग ना। तो इसी तरह आजकल मुझे नहीं पता कितने लोग आइडियल हैं, किसके आइडियल हैं किसके नहीं हैं। तो जाहिर है जो बंदा जिसका आइडियल होता है इंसान उसी को फॉलो करता है। और मेरा ख्याल है कि अगर हम ज़िंदगी में किसी के आइडियल बनना चाहते हैं तो हमारे मुंह से हमारे करेक्टर से ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए या हमारी बॉडी लैंग्वेज से जिससे कि कोई भी चीज़ दूसरे को, कोई दूसरा हमसे बुरी बात ना कहीं सीख ले। अब मैं आती हूँ फिर से दोबारा सितारा पे कि ठीक है, सितारा के भी बहुत सारे चाहने वाले हैं, बहुत सारे फ़ैन हैं, और जो रिएक्शन चैनल वालों के भी बहुत सारे फ़ैन हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि कौन कैसे कमा रहा है। सितारा अपने काम से काम रखती है, अपने व्लॉग्स बनाती रहती है, जो मर्जी वो करती रहती है, तो खुदा उसको नवाज रहा है। दूसरे जो हैं वो उस पर तोहमतें लगा लगा के, बयानबाजी कर करके, गलत काम कर करके, गलत बातें कर करके, और अब तो इंतहाई हो गई कि खुदा ने उनको एक बच्चे से नवाजा था जो कि अभी इस दुनिया में नहीं रहा, तो उसका इल्ज़ाम भी सितारा पर ही लगा दिया। आप मुझे एक बात बताएं, ये अच्छी बात है इस तरह करना कि किसी का, किसी की एक जान थी वो, कि किसी के को आपने कत्ल का इल्ज़ाम लगा दिया कि उसने एक मर्डर किया है, वो कितनी बुरी बात है। अगर मैं कहती हूँ आप इल्ज़ाम लगाएं, ज़रूर लगाएं, तो फिर आप उस बात को प्रूव करें, ठीक है। आप पुलिस तो नहीं है ना, CID हैं, किस तरह की बातें आप लोग करते हैं। तो थोड़ी सी मेरा ख्याल है ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि हम लोग जब एक डगर पे चलने लगते हैं, चलते ही जाते हैं, ये देखते ही नहीं हैं कि ये राह सही है या गलत है। जो दिल करता है बोलते जाते हैं, जो दिल करता है करते जाते हैं, ये बहुत बुरी बात है। इस तरह किसी पे कम अज़ कम कत्ल करने का इल्ज़ाम ना लगाएं। बड़ी मेहरबानी है सब बहन भाइयों की, क्योंकि इस तरह करके आप एक घर में मज़ीद और ज़्यादा फसाद डलवाने की कोशिश कर रहे हैं। देखें ना, आप कौसर को क्या बता रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे को इसने मार दिया है, तो ताकि उन दोनों की कभी मोहब्बत ना हो सके, ताकि कौसर ये कहे उनके जो घर बैठे लोग हैं वो भी तुम्हें कातिल ही बता रहे हैं। ये बुरी बात है। अगर हम लोग क्यों बुराई का हिस्सा बन रहे हैं, हमें अच्छी बात करनी चाहिए। देखें, खुदा की तरफ से ही ऐसा हुआ है और डॉक्टर्स ने बताया भी है कि उसकी डेथ की क्या वजह है, फिर उसके बावजूद भी ऐसी बातें करनी, ये अच्छी बात नहीं है। और उम्मीद है कि इस छोटी सी बात को आप लोग समझेंगे भी और कोशिश करेंगे कि हम अच्छे लोग, अच्छे इंसान बने, हीरो बने दूसरों के, दूसरे लोग हमें फॉलो करने की कोशिश करें और अच्छी बातों को फॉलो करें, ना कि हमारे ही बच्चे, अगर मेरे ही बच्चे देखेंगे कि मैं सारा वक्त जो वीडियो बनाती हूँ दूसरों की बुराइयाँ ही करती रहती हूँ, तो मेरे बच्चे तो यही कुछ सीख जाएंगे। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मेरा ख्याल है मैं 1, 2, 3, 4 शायद वीडियो और भी डालूँ इसी बात पे, आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि मैंने बहुत अचानक से, मैंने बहुत मुद्दत हुई
लेकिन ये काम नहीं किया था वीडियो बनाने वाला, लेकिन अभी मैं बड़ी मजबूर होकर सामने आई हूँ, मेरा दिल बहुत दुखा है इस बात से। तो आप प्लीज इस तरह ना करें, किसी को इस हद तक जलील ना करें। खुदा करे कि आप सब अपने अपने घरों में खुशियाँ देखें, खुश रहें, आपस में घरों में सुलूक इत्तफाक हो, और टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।